दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी साजिश रची है। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी सामने निकल के आई है, आपको बताते चले आगे। दोस्तों खबर के अनुसार, बीजेपी शासित हरियाणा में जहां वोटिंग हो रही थी, एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। जब सुबह से ही लोग यहां पर वोट डालने आ रहे थे, तो पहले कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला बटन दबाया, तब यहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट जा रहा था। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते यह वोट ट्रांसफर होने लगा बीजेपी को, और जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो चुनाव अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया। दोस्तों यहाँ पर कुछ मतदाताओं का कहना है कि जब वह वोट डालने गए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन लाइट जली है बीजेपी वाले चुनाव चिन्ह की और इससे उन्हें संदेह हुआ। लेकिन वीवीपैट में भी एक कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई दिया, लेकिन वोट बीजेपी को जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और पोलिंग अधिकारी से शिकायत की है। लेकिन यहाँ कोई शिकायत सुनने को भी तैयार नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों वोटिंग शुरू हुए अभी सिर्फ 2.5 घंटे का समय हुआ है और यहां पर ईवीएम में गड़बड़ी का पहला मामला हरियाणा से सामने निकल के आ चुका है। दोस्तों देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने जो आरोप ईवीएम को लेकर लगाए थे, वह लगता है सच साबित होते हुए दिख रहे हैं। ईवीएम गड़बड़ी का मामला सामने निकल के आया है। देख सकते हैं दोस्तों, मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत है, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत